हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं बट उनके पास इस काम को स्टार्ट करने के लिए बजट बहुत कम है। वर्डप्रेस के बारे में तो सब ने सुना होगा, तो आज मैं बताऊंगा कि वर्डप्रेस के अंदर कैसे प्रोफेशनल लेवल की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, थीम कौन सी यूज़ करनी है और थीम कहाँ से लेनी है। वैसे तो बहुत सी थीम्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो या तो लिमिटेड होंगी या वो वायरस से भरी हुई होंगी, जिसे आपकी वेबसाइट हैक होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इलेक्ट्रो थीम यूज़ करें। इलेक्ट्रो थीम आपको नेट पर बहुत सी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लेकिन आज बताऊँगा कि आपने किस वेबसाइट से उसको लेना है, क्योंकि आप किसी अच्छी वेबसाइट से लेंगे जहाँ से वायरस फ्री थीम मिल जाए तो वो बहुत ही बेहतर होगा। तो आज मैं आपको वो बताऊँगा किधर से डाउनलोड करनी। तो पहले बताता चलूँ कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी अपनी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं खुद भी इलेक्ट्रो थीम यूज़ कर रहा हूँ। आप देखें, ये यंग मैन क्लॉथ्स मेरी वेबसाइट है। ये इसका मेन पेज मैं ओपन कर देता हूँ। आप देखें, ये इसका फ्रंट पेज है। ये पहले लेआउट देख लें इसकी। ये देखिए, एडसन ने भी इसको बड़ी आसानी से अप्रूव कर दिया है। तो सबसे पहले इसके फीचर्स की तरफ आते हैं, एक एक फीचर मैं बोलता जाता हूँ आपको। ये बिल्कुल ऑटो अपडेट थीम है। आप इंस्टॉल की हुई तो इसका न्यू वर्जन खुद ब खुद अपडेट होगा। और इसके अंदर डमी डाटा मौजूद है। अगर आप स्टार्ट में अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने डाटा कैसे इसके ऊपर अपलोड करना है, तो आप डमी डाटा इंस्टॉल करें तो तमाम डाटा आ जाएगा, जिसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सी चीज़ किस तरह ऐड करनी है। और इसका थर्ड फीचर है, ये तमाम ब्राउज़र के ऊपर बिल्कुल सपोर्टेड है और ये 9 कलर में मौजूद है। आप इसके 9 डिफरेंट कलर्स ले सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ये ब्लू कलर में की हुई है। आप येलो, रेड, ग्रीन किसी कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ये फ्रंट पेज जो आपको नज़र आ रहा होम पेज, ये 5 डिफरेंट स्टाइल में मौजूद है। आप मुख्तलिफ किस्म का लेआउट चेक कर सकते हैं। इसके अंदर पेजेस ऑटो क्रिएट हो जाते हैं, जो जो पेज वेबसाइट को ज़रूरत होता है खुद ब खुद बनता जाता है। ये सिंगल पोस्ट, यानी कि जब हम किसी पोस्ट को क्लिक करते हैं, इसके भी 3 डिफरेंट स्टाइल मौजूद हैं इसके अंदर। ये अभी देखें, मैंने जो चूज़ किया हुआ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद इसका ये रिव्यू ऑप्शन है। स्पेसिफिकेशन अलग हो सकती है, रिव्यूज़ अलग हो सकता है। कोई भी यूज़र लॉगिन के बगैर इसके ऊपर रिव्यू दे सकता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। कैटलॉग ऑप्शन इसमें मौजूद है। ये देखें, इधर कैटलॉग ऑप्शन आप देख सकते हैं राइट साइड पे कॉर्नर पे। ये तमाम थीम मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट को कंपेयर करने की ऑप्शन भी मौजूद है। अभी आप देखें, ये एक प्रोडक्ट है, इसको आप कंपेयर लिस्ट में डालें। इसी तरह आप दूसरी प्रोडक्ट को ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसको भी कंपेयर में डालते हैं, तो कंपेयर भी आप कर सकते हैं। फिर इसको भी कंपेयर कर लें, कंपेयर लिस्ट में आ गई। और अभी आप इधर क्लिक करें और कंपेयर पे जा क्लिक करें, तो आप अपनी प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट की होंगी उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये देखें, दोनों प्रोडक्ट इधर आ गई हैं। इमेजेस आप इसमें प्रोडक्ट की जितनी मर्ज़ी इमेजेस डाल दें, बिल्कुल अमेज़ोन की तरह वर्क करती है। और सबसे मेन चीज़, आप इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, यानी अमेज़ोन, ईबे वगैरह की चीज़ें भी इसके ऊपर सेल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादातर चीज़ें अमेज़ोन की लगाई हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जैकेट है तो ये अमेज़ोन की है। इसमें आप किसी भी किस्म का जो है ना, खुद भी HTML लगा सकते हैं, CSS कोडिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये तो था, इसकी बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो आपको अभी मैं जिस वेबसाइट पे ले जाऊंगा उसके ऊपर आप इसको रीड कर सकते हैं। तो आपने इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, आपने इधर जाके न्यू टैब में करना है ट्राई ऐसे।
ट्राई एसे डॉट कॉम। ये एक राइटर के लिए प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनके ब्लॉग सेक्शन में इन्होंने ये थीम दी हुई है, यानी अगर कोई राइटर इसके ऊपर ज्वाइन करके अपनी जॉब्स वगैरह ढूंढ सकता है या कोई एम्प्लॉयर इसके ऊपर राइटिंग का वर्क डाल सकता है तो। लेकिन हमने इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे। ये एक बड़ी फेमस वेबसाइट है, इसलिए इसके ऊपर जितनी भी थीम्स आपको मिलेंगी वो वायरस फ्री होंगी। ये देखें, सबसे फ्रंट पे लिखा हुआ है ई-कॉमर्स वर्डप्रेस थीम फ्री, इस पर क्लिक करें। ये देखें, ये अभी तमाम इसके प्रोडक्ट की लेआउट इधर आ गई है, इसके जितने भी फीचर्स हैं इसमें दिए हुए हैं, आप लाइव डेमो इधर से भी देख सकते हैं। डाउनलोड का बटन इधर दिया हुआ है, इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने से पहले आप इसके फ़ीचर पढ़ना चाहें तो ये तमाम फ़ीचर, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखें ये तमाम फ़ीचर्स आप इसके रीड कर सकते हैं। ब्लॉग में कौन से हैं, वॉकॉमर्स में कौन से हैं, जनरल में कौन से हैं, अदर कस्टमाइजेशन ऑप्शन कौन से हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड ई कॉमर्स पे क्लिक करना है। ये देखें, क्लिक करेंगे तो वेबसाइट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये ज़िप फाइल में होगी, आपने एक्सट्रैक्ट कर लेनी है इसमें अपने वर्डप्रेस पे रखने के लिए। ये देखें, अभी डाउनलोड आप देख सकते हैं, ये नीचे डाउनलोड स्टार्ट शुरू हो गया है। ये देखें, अभी आपको मैं इसका बैकएंड यानी एडमिन पैनल भी दिखा देता हूँ। ये इसका एडमिन पैनल है, ये इलेक्ट्रो की अपनी सेटिंग है, इसके बहुत सारे फीचर्स जो आपको किसी और थीम में नहीं मिलेंगे इस पे आपको मौजूद होंगे। आप देखें, ये इसकी मेन सेटिंग है जो कि मुझे तो बहुत पसंद आई है, आपको अगर पसंद आई तो कमेंट्स में लाजमी आपने लिखना है। ये देखें, इसका आप इधर हेडर सेट कर सकते हैं, फुटर है, हेडर पे क्लिक करेंगे, हेडर की जितने भी देखें इधर आप हेडर स्टाइल इधर से चेंज कर सकते हैं। फुटर है, मोबाइल ऑप्शन है, नेविगेशन, ब्लॉग, सोशल मीडिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आम वेबसाइट में आपको नहीं मिलेंगी। वापस उसी पे चलते हैं अपने पेज पे। इधर से आप जैसे ही वेबसाइट, ये आपकी थीम डाउनलोड हो जाएगी, आपने इसको सी पैनल में जाके अपलोड कर लेना है, या आपकी जिस तरह भी होस्टिंग का तरीका है आप उन्हें उस तरह इसको अपलोड कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है और दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना है।